जी अस्सलाम वालेकुम। कुछ भी नहीं बदला, वैसे ही हर चीज़ है, वैसे ही पौधे, घर, लोग, इंसान, सूरज, सब बस साल बदला है। ना ही हमारे रवैये बदले हैं, ना ही हमारी सोच बदली है, और ना ही हम बदले हैं। हाँ, जाते जाते ज़ाहिर है, एक सब सबको पता है कि जब टाइम गुजरता है तो लोग कुछ लोग हमसे जुदा हो जाते हैं, कुछ लोग हमारी लाइफ में न्यू आते हैं, क्योंकि इट्स अ प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो इसमें तो चीज़ें यूं ही चलती हैं ना, इसमें इस प्रोसेस को आप रोक नहीं सकते। कुछ जाने वाले चले जाते हैं, कुछ न्यू आने वाले, नए आने वाले आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं, और इस तरह ये एक ज़िंदगी का एक अमल है जो तकमील पाता है। लेकिन जो चीज़ बदलनी चाहिए थी वो था हमारा इज्तमाही और ज़ाती रवैया, हमारे ज़ाती और इज्तमाही और सियासी और आलमी मामलात, जो कि जूँगे तू हैं। तो फिर वो जो खुशियाँ मनाई जा रही हैं ना कि 2024 आ गए, तो आप खुश तो तब हों जब आप किसी कोई बेटरमेंट के लिए चेंज लाएं। जब आपने कोई चेंज ही नहीं लाना, कोई तब्दीली ही नहीं करनी, आपने सिर्फ कहीं डर के, कहीं मुफाहमत से, कहीं लालच से आपने जुल्म का जालिम का साथ देना है, और आपने अपने ज़ाती और अपने मुल्की मामलात में, अपने मुआशी और मुआशरती मामलात में आपने हमेशा अपनी लालच, अपने डर और अपने खौफ, अपनी ज़ात को तरजीह देनी है, तो मतलब वाई आर यू हैप्पी फॉर वॉट? वट आर यू हैप्पी फॉर? नथिंग। क्या है आपका गेन? कुछ भी नहीं। आप तो मुसलसल ना जानते हुए कुछ ना कुछ लूज़ कर रहे हैं, कहीं गैरत, कहीं किरदार, कहीं आप भाईचारा, कहीं आप अपने बहुत ही जो हमारी कीमती हमारी वैल्यूज़ हैं, जो इंसान के ज़मीर को बाज़मीर रखती हैं, इंसान को ज़मीर को जगाए रखती हैं, जब वही आप लूज़ कर रहे हैं तो फिर आप क्या गेन कर रहे हैं और आप क्यों खुश हैं? आप 2023 के जाने का गम ये मनाएं कि 2023 में भी आप ऐसे ही थे, और 2024 का भी गम मनाएं क्योंकि आपने 2024 में भी ऐसे ही रहना है, कुछ बदलाव नहीं आ रहा। तो बाकी ये कि इस उम्मीद के साथ, ये आज 1 जनवरी 2024 है, तो उसमें मैं आप जब एक डेट लिखते हैं तो एक्साइटमेंट तो होती है कि जी नया साल आ गया। हाँ, खुशी इस चीज़ की है और शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात से इस चीज़ का है कि 2023 हमारा अपना बज़ात इंसान और अपने ख़ानदानी और अपने ज़ाती मामलात में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी हिफाजत की, और कोई हमने किसी शैतान की पैरवी नहीं की, और अल्लाह ताला ने हमारे प्यारों को हमारे साथ रखा, और अल्लाह ताला से दुआ है कि 2024 2025 और आने वाले कई सालों में हमारे साथ रहें। तो इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप बेहतरी की तरफ बदलाव लाएंगे, ताकि हर आने वाला नया साल बल्कि आपकी ज़िंदगी ही नहीं हो जाए, आप क्यों ना एक नया जन्म ले लें एक ज़हनी तौर पर, कि आप मुख्तलिफ इंसान बन जाएँ। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी, मेरी और हम सब की ज़िंदगियों में अमन व सलामती लाए, और हमें इतना बाशऊर कर दे, और हमें इतना ज़हनी पुख्तगी अता कर दे कि हम लोगों को जीने दें, क्योंकि हमारे माशरे में सिर्फ ये नहीं होता कि हम जी लुटेरे हैं और हम थप्पड़ मार के किसी को जलील कर सकते हैं, या हम धक्के दे के, कभी कभी हम इंसान को मेंटल स्ट्रेस इतना दे देते हैं कि वो डिप्रेशन में चला जाता है, और उस डिप्रेशन से निकलने के लिए या तो वो बेचारा अपनी ज़िंदगी से जान धो बैठता है, या वो अपना सुकून बर्बाद करता है। तो हम इतने रिलैक्स होंगे, हम खुद भी इसी देखिए मेंटल इलनेस होती है ना, इट्स कंटेजियस। जब आप खुद बीमार होते हैं, आप रंग को लेके, नस्ल को लेके, ज़ुबान को लेके, उम्र को लेके, रिलीजन को लेके, और तो और आप फ़िरकों को लेके भी लोगों को इतना डिस्कस करते हैं और उनको इतना आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं कि जी वो डिप्रेशन में जाएं, लेकिन आपको ख़ुद नहीं पता कि मीनवाइल आप बहुत ही जो नेगेटिव एनर्जी के इस नेगेटिव एनर्जी के क्या सर्कल में इस कदर तंग हो जाते हैं कि ख़ुद आप एक बहुत गंदी मेंटल डिज़ीज़ में होते हैं। अगले बंदे को तो कंटेजियस आपने वो डिज़ीज़ दे दी अपने ज़ुबान से, अपने अखलाक से, और उसके ख़िलाफ़ बातें करके, लेकिन उस इंसान को मेंटल डिप्रेशन में डाल के ख़ुद भी आप डिप्रेस होते हैं। तो इस दुआ के साथ कि आप ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें, 2024 का हम करते हैं आगाज़, और इसको करते हैं बाकायदा वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़।